मैं टू ब्रदर्स को चाहिए मैच को जीतने के लिए। उसी बीच एक गेंद अच्छी गेंद से दिफाई अंदाज में बॉलर के जाने इस गेंद को निकाल दिया। बैट्समैन ने इस गेंद पर कोई रन हासिल नहीं हुआ, स्थिति उन्होंने बनाई हुई है। बहरहाल गेंदबाज जो है वो फिर से तैयार गेंद करने के लिए। ये गेंद लेक्सन को गालिबन मिस कर रही थी और थाई पैड से ये गेंद टकराकर विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। एक अच्छे लंबे रन साथ गेंदबाज सीबीएन से गेंद कराएंगे। ये गेंद अच्छी गेंद थी, यहां थोड़ी सी बदलाव की थी उन्होंने, लेकिन गेंद जो है इसी बीच गेंदबाज फिर से तैयार गेंद करने के लिए। विकेट पर पहुंचे इस गेंद को बैट्समैन कट करना चाहते थे, बीट हुए गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। वैली क्रिकेट टूर्नामेंट यहां हो रहा है, मेगा फाइनल आज यहां खेला जा रहा है, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर सुधीर लोन है। उन्होंने कामयाब हो चुके हैं, पांच बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहरहाल इस गेंद को बैट्समैन ने लो मार के जाने निकाल दिया। फील्डर ने आके गेंद को फील्ड किया, सुबह में एक और रन का इजाफा हुआ। 62 गेंदों में 57 रन अभी भी दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को विकेट जो है वो दरकार है पांचर को इस मैच को जीतने के लिए। इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, विकेट में आ रही थी, इस गेंद को बैट्समैन ने निकाल दिया लॉन्ग ऑफ की जानी, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते स्कोर में एक और रन के सामने है। दाऊद मीर, दाऊद मीर जो कि 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, 60 गेंदे और 56 रन। इस दफा अच्छी ने काफी पीछे आकर खेलना चाहते थे, गेंद 5 विकेट गिर चुकी है, 56 रन बनाने हैं। 5 विकेट अभी भी उनके पास है, अभी भी उनके पास बल्लेबाजी बाकी है, जिसमें कि दाऊद और अबरार खेल रहे हैं। दाऊद मीर है, रबनवाज है, काफी अच्छी बैटिंग लाइन अभी भी मिंटो ब्रदर्स के पास है। तो आदिल शरीफ उनका सामना करेंगे अब दाऊद मीर। तो इसी तरह गेंद करने के लिए तैयार, गेंद की अच्छी गेंद थी, उतनी खूबसूरत से निकाल दिया, हल्के हाथों से खेल दिया। भारत खुद का विकेट की जानब खेला हुआ स्ट्रोक था, सारे विकेट की जानब खेला हुआ स्ट्रोक था। एक रन पूरा किया हुआ दोनों बल्लेबाजों ने, तो बिल्कुल बराबरी पर चलता हुआ। इसको अगर देखा जाए, इसको की पोजिशन अगर देखी जाए, तो कोई भी टीम यहां से मैच जीत सकती है। तो इसी तरह फिर खेल करने के लिए इस दफा और भी गेंद है, वहां पर फील्डर एक रन बनाने का मौका था। हमें जरूर गेंद थी, लेकिन गेंद है वो नॉर्मल लेन में गिरी थी, पर गेंद वो खेल अभी भी बाकी है। तो सूझबूझ वाली क्रिकेट यहां पर दोनों बल्लेबाज खेलते हुए, सितारे को रोटेट करते हुए, एक दो रन से सिंगल डबल से रन बनाते हुए, क्योंकि काफी मुश्किल में इस वक्त मिंटो ब्रदर्स की टीम पहली टीम उनकी आउट हो चुकी है, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी अच्छी फील्डिंग यहां पर देखने को मिली पाश्चर के गेंदबाजों की जाने से। फिर से खेल गया एक रन के लिए, खेल दिया था वहां पर मिड ऑफ की जाने लॉन्ग ऑफ से फील्डर फील्ड करने के लिए आए थे। तो ड्रिंक्स के बाद मैच फिर शुरू होता हुआ, गेंद करने के लिए आए हैं मुसावर। अच्छी गेंद में आती हुई गेंद को दिखाई अंदाज से खेला, रन 51 रनों की दरकार रन चाहिए, लेकिन अभी मिंटू ब्रदर्स के पास अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, रब नवाज अभी बाकी है। राजेश राठौर जब तक फील्ड करते तब तक बल्लेबाज ने एक रन में मुकम्मल किया। बल्लेबाजों ने तो इसी एक रन का स्कोर जहां पहुंचा 59 जीतने के लिए। तो इसी दौरान फिर गेंद करने के लिए इस दफा अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन अक्सर से काफी बाहर गेंद, व्हाइट का इशारा मिला अंपायर की जाने से। 51 गेंद 48 रन और 5 विकेट अभी उनके हाथ में है। तो इस 5 विकेट लेनी होगी यहां पर पाशर की टीम को और 45 रन बनाने होंगे यहां पर मिंटो ब्रदर्स की टीम को। इसी दौरान अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती है माजिद की जानिब से, अभी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए। तो इसी दौरान फिर से गेंद करने के लिए सामने है दाऊद मीर।
इस दफा कट कर दिया, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की जाने, फील्डर मौजूद है वहां पर, अच्छी फील्डिंग है, लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाए। चौदह ओवर लेकर उनके सामने है मीर, दाऊद मीर है उनके सामने। एक दफा फिर से अच्छी गेंद उसी खूबसूरत से निकाल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है, कार्ड के लिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर है यह अगर यहां से बिंदु ब्रदर्स की टीम पूरा 20 ओवर खेलेगी तो आसानी से मैच जीत जाएगी। इस दफा निकाल दिया, हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर, थर्ड मैन बाउंड्री की जाने एक रन के लिए। तो इस दफा अपील की लेकिन नाकारा अंपायर ने। मिंटू ब्रदर्स मैच में बनी हुई अच्छी टीम है, अच्छे बल्लेबाज हैं, दाऊद अभी क्रीज में मौजूद हैं, दाऊद और नसीर दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं, जब तक ये क्रीज में मौजूद हैं मिंटू ब्रदर्स जीत सकती है ये मैच। अगर पास्चर को ये मैच जीतना है तो उन्हें इन दो खिलाड़ियों को वापस पवेलियन भेजना होगा, नहीं तो मिंटू ब्रदर्स आसानी से ये मैच जीत जाएगी। राजेश की बात की जाए तो आज काफी महंगा साहब हुए अपनी टीम के लिए, जिस तरह की गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, उस तरह की गेंदबाजी नहीं देखने को मिली आज राजेश की जाने से। अच्छी शॉट ओएस है वहाँ पर, देखते हैं जबरदस्त फील्डिंग की है ओएस ने, जितनी सराहना की जाए उतनी कम, जबरदस्त फील्डिंग मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा फाइनल यहाँ देखने को मिल रहा है, दोनों टीम जो है वो बराबरी पर है। इसी बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद अच्छी गेंद थी, फील कर दिया बैट्समैन को, बैट्समैन इस गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। ग्राउंड के चारों ओर इस वक्त तमाशाई हजरात जो है मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, जो मैच देखने नहीं आ रहे वो अभी लाइव मैच जो चल रहा है। आबिद मुगल यूट्यूब चैनल पे जो है अभी वो लाइव मैच यहाँ पे दिखा रहे हैं। बहरहाल इसी बीच गेंदबाज फिर से तैयार गेंद करने के लिए, ये गेंद अच्छी गेंद विकेट में आ रही थी और अच्छी रनिंग विकेट में विकेट रन होने का खतरा हो सकता है। बहरहाल अच्छी रनिंग विकेट में विकेट दो ओएस अंदर बुलाया गया है, हल्के कदमों के साथ विकेट पर पहुंचे, ये गेंद नहीं जाता बैट्समैन ने कोई कैसे ही कर सकता नहीं कर पाया। लेने में कामयाब होती है, कपू के हैट्रिक लगाने में वो कामयाब होती है, पार्षद जो है इस फाइनल को जीतने में कामयाब होती है। आखिरी जोड़ी मैदान में कौन जीतेगा, कौन मुकद्दर का सिकंदर होगा। इसी बीच दौड़ा शुरू किया, विकेट बोले गेंद फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद बॉडी फ्लाई की तरफ जा रही है, एक रन हासिल किया, दूसरे रन के लिए वापस जा रहे हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के दरमियान, गेंद जो है वो काफी देर तक हवा में रही। बहरहाल पांचर को यह मैच जीतने के लिए, इसी बीच गेंदबाज तैयार हुए विकेट पर पहुंचे, ये गेंद और गेंद को अपने तरीके से निकाल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है। बहरहाल एक रन लेने से नहीं रोक पाए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों विकेट जो है उनको आखिरी गेंद। अच्छी शॉट मिड विकेट की जाने, एक रन हासिल किया दाऊद ने, दाऊद ने स्ट्राइक को अपने पास ही रखा क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड बल्लेबाज है दाऊद। शुक्रिया धन्यवाद। तो इसी बीच गेंदबाज तैयार हुए गेंद करने के लिए, विकेट पर पहुंचे और इस गेंद को बैट्समैन खेलना चाहते थे, अंपायर ने हाथ हवा में बुलंद किए और वाइड का इशारा किया, 20 रन चाहिए मिंटू ब्रदर्स, एक विकेट दरकार है पास्चर को यह मैच जीतने के लिए। एक अच्छा मैच यहाँ फाइनल देखने को मिलता हुआ, जबरदस्त टक्कर इन दो टीमों के दरमियान यहाँ देखने को मिली। अगर रन बने तो विकेट भी गिरी है यकीनी तौर पर। आखिरी जोड़ी मैदान में इसी बीच गेंदबाज तैयार, गेंद करने के लिए विकेट पर पहुंचे और इस गेंद को अपने तरीके से उठा, गेंद सीधा 6 रन के लिए, जबरदस्त उमदा इस ड्रॉप और तमाम खिलाड़ी जो है खड़े खड़े गेंद को तमाशा देखते रहे, गेंद सीधा 6 रन के लिए, उमदा इस ड्रॉप बेहतरीन जबरदस्त दनदनाती हुई आसमान को
छूती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 6 रन। बहरहाल इसी बीच गेंदबाज फिर से तैयार गेंद करने के लिए विकेट पर पहुंचे। ये गेंद अच्छी गेंद थी, विकेट में आ रही थी। इस गेंद को दिफाई अंदाज में बैट्समैन ने शॉर्ट कवर की जानिब निकाल दिया। वहां पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर कोई रन हासिल नहीं हुआ। जबरदस्त 6 रन यहां बैट्समैन ने मारे थे, गेंद को पुल किया था और उमदा शॉट लगाई थी। बहरहाल अगर वो 6 रन मार सकते हैं तो मैच को जिता भी सकते हैं। इसी बीच ये गेंद और यहाँ पे विकेट कीपर जो है बीट हुए। बहरहाल भी है, इस तरह की बैटिंग उनको करनी होगी। इसी बीच गेंदबाज फिर से तैयार गेंद करने के लिए। शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को खूबसूरत तरीके से निकाल दिया। शॉर्टमैन के जाने वहां पे फील्डर मौजूद है, इस गेंद को फील्ड किया लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैन को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के दरमियान। अभी भी कोई भी टीम इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी और रन आउट होने का खतरा हो सकता है। और यहाँ पे जबरदस्त अपील हुई है, अंपायर ने नकार दिया कि बैट्समैन क्रीज पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी दरमियान में 1 रन हासिल किया बैट्समैन ने स्कोर देखने तैयार खेलने के लिए। गेंदबाज भी तैयार हुए, विकेट पर पहुंचे। गेंद के लिए उमदा तरीके से गेंद सिखाया, 6 रन के लिए दंडा दी हुई उमदा इस स्ट्रोक। जबरदस्त शॉट गेंद सिखा, 6 रन के लिए जबरदस्त शॉट उमदा इस स्ट्रोक। 6 रन के लिए अभी 6 रन बहुत उमदा बैट्समैन के जानिब से सीधा। 6 रन के लिए सिर्फ 6 रन दरकार है मिंटू ब्रदर्स को यह मैच जीतने के लिए। जबरदस्त दाऊद तैयार हुए गेंद करने के लिए, 6 रन जो है मैच जीतने के लिए। गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को बड़े अच्छे तरीके से थर्ड मैन के जानिब का दूसरे रन के लिए वापस जा रहे हैं और अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे दिखाते हुए दोनों बैट्समैन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होते हुए अभी भी 4 रन जो है मैच जीतने के लिए चाहिए। 10 गेंदों में 4 रन अभी भी चाहिए मिंटू ब्रदर्स को ये मैच जीतने के लिए। उतनी ही 1 विकेट दरकार है इस मैच को जीतने के लिए 5 रन को। जो है हमारे ऑफिशियल स्कोर जो है वो बता रहे हैं कि सिर्फ 3 रन जो है वो दरकार है मिंटू ब्रदर्स को ये मैच जीतने के लिए। एक छक्के ने जो है पूरा रुख बदल दिया मैच का, दूसरे छक्के ने मैच का दोबारा से रुख जो है वो बदल दिया है। कुछ भी हो सकता है। ये गेंद और किस गेंद को पुल किया, गेंद को लेकर कर दिया 4 रन। इस तरह से मिंटू ब्रदर्स की मैच ये हैट्रिक पूरी है हैट्रिक यहाँ पे मिंटू ब्रदर्स के जानिब से। 3 कप जो है वो लगातार यहाँ पे मिंटू ब्रदर्स ने जीते हैं। और काफी खराब गेंदबाजी का रिजल्ट देखने को मिला गेंदबाज आदित्य जानिब से। साथ यहां पर आज के मैच के हीरो दाऊद मीर हैं, जिन्होंने क्रूशल स्टेज पर जबरदस्त बल्लेबाजी करने के बाद अपनी टीम मिंटू ब्रदर्स को मैच जितवाया। आज की जीत के हीरो हैं दाऊद मीर। तो दाऊद, जिस वक्त आप बैटिंग करने के लिए आए थे, आपकी टीम की 5 विकेटें जा चुकी थी 45 के स्कोर पर, तो उस वक्त जब आप ग्राउंड पर आए तो आप क्या सोचकर आए कि कैसे इस मैच में जीत हासिल करनी है? जी, सबसे पहले थैंक यू आपका। मैं जब बैटिंग करने के लिए आया तो टीम की 5 विकेट गिर गई थी ऑब्वियसली, तो उसके बाद मुझसे यही रोल दिया गया कि आप गेम को चलाओ, जितना आप गेम को एंड तक लेके जाओगे उतना हमको डेप्थ मिलेगी। हमारे पास बैटिंग भी अच्छी थी काफ़ी, तो बदकिस्मती से हमारी विकेटें 2-4 गिर गई, कुछ हमारी गलती से रनआउट हो गए 1-2 तो। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये था कि अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था, मेरे कैप्टन को भी मुझ पर कॉन्फिडेंस था। उनको बार बार कह रहा था कि गेम को हमको एंड पे लेना है, जितना हमको डीप लेंगे उतना हमको फ़ायदा है।
तो अगर हमारे पास 6 बॉल 20 रन भी रहता है 15 रन भी रहता है तो हम कर लेंगे कवर, क्योंकि इनके पास अपोजिट टीम के पास छठा बॉलर भी, इनको ये स्ट्रगल कर रहे थे, इनके पास बॉलर भी नहीं था, 5 ही बॉलर खिलाए थे इन्होंने। तो फिर मेरा दिन था उसके हिसाब से, फिर मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिए तो उसकी वजह से हम ये जीत गए। अच्छा, जिस वक्त आपकी टीम की 9वीं विकेट गालबन वो विशाल राणा आउट हुए थे, रन आउट, तो उसके बाद एक ही विकेट थी, अर्शद मिंटू आपके साथ आए आपके कप्तान, तो क्योंकि अर्शद मिंटू बॉलर हैं उनको आपने क्या सजेशंस दिए उस वक्त कि आपका साथ वो कैसे दें, आपने उस उनको कैसे मोटिवेट किया कि आखिर तक गेम को लेना है? जी, लास्ट विकेट पे हमारे पास अभी 26 रन पेंडिंग थे, तो जब हमारे कैप्टन आ गए तो उनको मैंने यही बात कहा कि आप, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्ट्राइक में रखता हूँ, लास्ट 2 बॉलों में हम दौड़ सकते हैं सिंगल। तो उनने मुझे बखूबी से साथ दिया, अच्छे से साथ दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपको साथ देता हूँ, आप जितना डीप ले सकते हो गेम को तो ले जाओ। तो मैंने उसी हिसाब से मैंने ट्राई किया कि मैं ज़्यादातर स्ट्राइक में खुद ले लूँ और गैप्स में रन ढूंढूँ, तो मैंने फिर गैप्स में ट्राई किया मारने की, तो उसकी वजह से मैंने फिर ये कर पाया। जैसा कि हम भी बाहर से कमेंट्री में बता रहे थे कि पास्चर टीम एक बॉलर्स की कमी महसूस कर रही थी, और आपने भी बताया कि आपने पूरा कैलकुलेट किया हुआ था कि पास्चर के पास बॉलर की कमी है, तो उसी कमी को देखते हुए आपने सही टाइम पर सही हिट्स लगाई। जिस वक्त आपने मिड विकेट के ऊपर से जो हिट लगाई थी, अगर थोड़ी सी भी मिस हिट होती तो वो कैच भी हो सकता था, तो वो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? जी, मेरे जहन में यही था कि जो बॉलर था वो शॉर्ट बॉल करा रहा था और वो पेस पे बॉल करा रहा था, जिसकी वजह से मुझे मिडल करना आसान हो रहा था। तो मैंने गैप में ट्राई किया, वहाँ पे फील्डर था, लगा हुआ था, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैंने कहा कि अगर मैं इसके नीचे आ गया, रेडार में आ गई, तो बाहर ही जाएगी, तो मैंने वही अप्लाई किया, तो उसकी वजह से फिर मैं वो सिक्सेस लगा पाया एंड पे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से भी और एंटायर किश्तवाड़ की जानिब से आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस पर, आपको भी और आपकी टीम को भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज़ क्या करोगे क्या?